हेलो एवरीवन, दिस इज़ आवर सिक्स टॉपिक, ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। इन प्रीवियस वीडियो वी सॉ दैट सो मेनी चेंजेस वर हेल्ड इन पास्ट। फॉर एग्जांपल, वी सॉ दैट सो मेनी सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स वर एमर्ज्ड विद द टाइम। डिफरेंट जातीज वर आल्सो फॉर्म्ड। After that, we saw about that how region and empire were also changed. Now, in this video, we will see some more changes were also held in past. Okay, and that was old and new religions. What was one more change that we have in our past? It is old and new religions. मतलब पुराने और नए जो धर्म थे, रिलीजन्स थे, उनमें क्या क्या चेंजेस आए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिलीजन, पीपल बिलीव इन द डिवाइन। ठीक है, द थाउजेंड ईयर्स ऑफ हिस्ट्री दैट वी हैव एक्सप्लोरिंग विटनेस्ड मेजर डेवलपमेंट इन रिलीजियस ट्रेडिशंस। ठीक है, जो हज़ारों सालों की जो हम ये जो टाइम पीरियड पढ़ रहे हैं इस साल हिस्ट्री में, 700 से लेकर 1750 तक का, तो हज़ारों साल की जो ये हिस्ट्री जो थी, उसमें एक तरह से काफ़ी सारे रिलीजियस डेवलपमेंट और चेंजेस देखने के लिए मिले धर्म में। पीपल बिलीव इन डिवाइन, डिवाइन फेथ। तो जो लोग थे, धीरे धीरे उन्होंने एक तरह से, या हर जो इंसान है वो एक भगवान में बिलीव करता है। ठीक है, एक जिनको बोलें डिवाइन, यानी एक तरह से बोलें कि अद्वैत शक्ति, अद्वैत यानी जो इस सांसारिक मोह माया से जो परे है, जो शक्ति है, ठीक है, उसमें बिलीव करता है, जो भगवान ही एक तरह से जिनको बोले। लेकिन जो लोग हैं वो बिलीव पर्सनल तरीके से करते हैं। पर्सनल कैसे, जैसे मान लीजिए मैं किसी अलग देवी देवता को मानती हूँ, आप किसी अलग देवी देवता को मानते हैं, ठीक है, बट इट वॉज प्रैक्टिस्ड इन अ कलेक्टिव वे। अब देखिए, सब लोग अपने अपने पर्सनल भगवान को मानते हैं कोई, ठीक है, तो उस वजह से एक पर्सनल फेथ हो गया, बिलीव हो गया लोगों का, हर इंसान का। लेकिन इट वॉज प्रैक्टिस्ड इन अ कलेक्टिव वे। अब जो ये प्रैक्टिस में लाया जाता है, जो ये एक तरह से बिलीव है, रिलीजियस बिलीव, ये जब प्रैक्टिस की जाती है तो कलेक्टिव वे में की जाती है। जिस तरह से देखिए, मान लीजिए हिंदू धर्म में जो आप अलग अलग देवी देवताओं को मानते हैं, लेकिन पूजा करने का एक प्रॉपर तरीका सबका एक ही है हमारे यहाँ पर। कि अगर मान लीजिए आप शंकर भगवान को मानते हैं, तो या फिर मैं दुर्गा माता को मानती हूँ, ऐसा कुछ फॉर एग्जांपल, तो तरीका जो है पूजा करने का वो सेम ही होगा। ठीक है, तिलक लगाना, रोटी लगाना, चावल चढ़ाना, जल चढ़ाना, फूल चढ़ाना, तो ये एक कलेक्टिव वे हो जाता है उस धर्म को प्रैक्टिस करने का। नाउ, रिलीजन बिलीफ कनेक्टेड विद द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा देखिए, जो रिलीजन जो होता है, जो हमारा धर्म जो होता है, जैसे मान लीजिए आज हम तो इस मॉडर्न दुनिया में रह रहे हैं, जहाँ पर हम हर तरह की चीज़ से एक तरह से रूबरू होते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन कई सारे जो लोग होते हैं, जो मान लीजिए आज भी जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, तो वो तो इतना ज़्यादा मॉडर्नाइज्ड नहीं हुए हैं, तो उस वजह से अब उनका जो सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके तहत वो रिलीजन को मानेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो धर्म में जो बिलीव होते हैं, वो कनेक्ट किससे रहते हैं, सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन से। हम हमारे आसपास जो चीज़ें हैं, हम उनसे कनेक्ट होकर अपना जो रिलीजन है उसमें बिलीव करते हैं। चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक आइडियाज़ इक्वल टू चेंजेस इन रिलीजियस बिलीफ। अब देखिए, चेंजेस जो होते हैं सोशल और इकोनॉमिक आइडियाज़ में, उसकी वजह से, या एक तरह से बात करें, क्या उसका मतलब क्या होता है, चेंजेस इन रिलीजियस बिलीफ। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हमारे नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं चीज़ों को, और देखने का, सोचने का, समझने का जो नज़रिया है वो चेंज हो रहा है। तो
इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि इन सारी चीज़ों में अगर एक तरह से चेंज आता है सोशल और इकोनॉमिक आइडियाज़ में, तो उसकी वजह से रिलीजन बिलीव में भी चेंज आते हैं, धार्मिक जो विश्वास हैं उनमें भी चेंज आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखेंगे हम चेंजेस इन हिंदुज़्म, मतलब हिंदू धर्म में जैसे एक तरह से चेंज हुआ, वर्शिप ऑफ न्यू डाइटीज़, ग्रोइंग इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मणास एक्सेट्रा। अब देखिए हिंदू धर्म में टाइम के साथ साथ आइडियाज़ चेंज हुए, उससे रिलीजन जो धर्म थे, जैसे मैंने बताया कि जैसे जैसे आइडियाज़ चेंज होते हैं टाइम के साथ साथ लोगों के, वैसे वैसे रिलीजन बिलीव्स में भी चेंजेस आते हैं। तो हिंदू धर्म में देखिए पहले एक तरह से जो हिंदू धर्म जो है वो उसमें चेंजेस आए, नए नए पूजा के तरीके निकाले गए, या एक तरह से बोले लोगों ने नए नए तरीक़ों से पूजा पाठ करना स्टार्ट कर दिया, जो भी देवी देवता हैं या भगवान हैं उनकी। इसके अलावा ब्राह्मण जो थे उस टाइम, उनका इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ने लगा, क्योंकि पहले के टाइम में या जो मेडिवल हिस्ट्री जो हम पढ़ रहे हैं उस टाइम की ही बात चल रही है, तो उस टाइम में एक तरह से जो ब्राह्मण थे उन्हें ही सारा ज्ञान था संस्कृत भाषा का, या वेदों में जो कुछ लिखा है उस चीज़ का। इस वजह से धीरे धीरे ब्राह्मण जो थे दे गॉट इम्पोर्टेंस एट दैट टाइम। डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मणास, देखिए मैंने बताया कि डोमिनेंस बढ़ गया, जो ब्राह्मण थे उनका प्रभुत्व बढ़ गया। क्यों? बिकॉज नॉलेज ऑफ संस्कृत एंड सपोर्ट ऑफ पैट्रोन्स, क्योंकि उनको संस्कृत आती थी और वेद वगैरह, मान लीजिए एक तरह से मंत्र उच्चारण करना है या कुछ, तो हर किसी को तो आते नहीं थे, तो संस्कृत की नॉलेज जो होती थी वो ब्राह्मणों को होती थी। इस वजह से उनका इम्पोर्टेंस बढ़ा, डोमिनेंस बढ़ा सोसाइटी में। इसके अलावा सपोर्ट ऑफ पैट्रोन्स, अब देखिए पैट्रोन का मतलब होता है संरक्षक। अब संरक्षक कैसे, जैसे मान लीजिए ब्राह्मण है, उसे संस्कृत पढ़ना आता है, लिखना आता है, और तो एक जो राजा है वो क्या कर लेगा, उस ब्राह्मण को एक तरह से पैट्रोन कर लेगा, मतलब उसे संरक्षण प्रदान करेगा, उसे अपने यहाँ रखेगा, उसकी उसे सैलरी देगा, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें। एमर्जेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति, इसके बाद देखिए सबसे बड़ा चेंज, द वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वॉज द एमर्जेंस ऑफ द भक्ति या आइडिया ऑफ भक्ति। भक्ति का जो एक नया तरीका था वो खोजा गया। डिवोशन ऑफ डिवोटीज टुवार्ड्स अ लविंग पर्सनल डाइटी एंड वेयर द एड ऑफ प्रीस्ट और एलैबोरेट रिचुअल्स वर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रेज द डाइटी। अब देखिए नया क्या भक्ति का एक आइडिया निकाला गया कि डिवोशन जो है, यानी भक्त किसी भी भगवान को अगर मानना चाह रहा है या उसकी भक्ति करना चाह रहा है, अपने पर्सनल भगवान की या जो भी जिन्हें भी इंसान मानता है, भक्त अपने भगवान को, जिस भी भगवान को मानता है, तो उसकी पूजा अर्चना करने के लिए अब लोगों को पंडित की ज़रूरत नहीं थी। पहले क्या था, सारे जो पूजा पाठ का काम हुआ करता था, अगर किसी को पूजा पाठ कराना है या करना है तो उसे एक तरह से ब्राह्मणों का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे जो भक्ति का आइडिया था उसमें चेंज आया और अब लोग अपने पूजनीय भगवान को पूजने के लिए जो ब्राह्मण थे उन पर डिपेंड नहीं थे अब, ठीक है। इसके अलावा ज़रूरी नहीं था, क्योंकि आइडिया के जो भक्ति का आइडिया था उसमें चेंज आया, तो इस वजह से अब लोगों ने एलैबोरेट रिचुअल्स, मतलब जो एक तरह से पहले बोला जाता था कि यज्ञ कराओ, उसमें ये चीज़ें चाहिए वो चीज़ें चाहिए, तो वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो गई थी। और जो लोग थे उन्हें अब ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण है उसी की हेल्प से हम पूजा कर सकेंगे, अब अगर एक इंसान या एक भक्त जो है वो अपने भगवान की भक्ति पर्सनल तरीके से भी कर सकता था, अब उसे ब्राह्मणों की ज़रूरत नहीं थी अपने भगवान को पूजने के लिए। अब देखिए अदर मेजर रिलीजियस चेंजेस दैट अक्योर ड्यूरिंग पीरियड्स वर, इसके अलावा देखिए जो हिंदू धर्म में जो चेंजेस आए या बाकी सारे धर्मों में जो चेंजेस आए, उसके अलावा भी कुछ और बड़े बड़े धार्मिक चेंजेस आए, रिलीजियस चेंजेस आए इस पीरियड में, मेडिवल पीरियड में। द फर्स्ट वन वॉज न्यू रिलीजन अपियर्ड, इस्लाम एंड कुरान, ठीक है। तो एक तरह से अगर हम बात करें
जो 17th century में ये सब हुआ, जो मुस्लिम्स थे दे वर रिगार्ड द कुरान एज द होली बुक, जो कुरान था उसको जो मुस्लिम थे इस्लाम धर्म के लोग थे वो अपनी पवित्र ग्रंथ मानते थे, आज भी मानते हैं, एंड एक्सेप्ट द सोवर्जिनिटी ऑफ द वन गॉड, मतलब अल्लाह में विश्वास करते थे वो लोग और मानते थे कि जो अल्लाह है ही लव एवरीवन, ही हैज़ मर्सी, ठीक है, मतलब जो भी उनमें बिलीव करता है अल्लाह में वो अल्लाह उन पर क्या करते हैं, एक तरह से दया करते हैं, उनको बहुत प्यार देते हैं, ठीक है, और विदाउट रिगार्ड एनी सोशल बैकग्राउंड, मतलब जो भी अल्लाह में विश्वास करेगा, इस्लाम धर्म का यही मानना है कि जो भी अल्लाह में या ईश्वर में जो हैं उनके, तो उसमें जो भी विश्वास करेगा तो अल्लाह उसको ये नहीं देखेंगे वो किस बैकग्राउंड से है, किस धर्म का है, किस जाति का है, तो वो अल्लाह जो हैं वो उन पर एक तरह से क्या करेंगे, दया करेंगे और उन्हें बहुत प्यार देंगे जो भी अल्लाह में विश्वास करेगा उन्हें, ठीक है। तो एक नया धर्म आया सामने इस्लाम, और उनका जो होली बुक था पवित्र ग्रंथ वो कुरान, जैसे हम हिंदुओं का है ना महाभारत, रामायण, गीता, ये हमारे होली बुक्स हैं, और इस्लाम धर्म का होली बुक क्या है, कुरान। मैनी रूलर्स वर पैट्रोन्स ऑफ इस्लाम एंड उलेमास, ठीक है, एक तरह से अगर हम बात करें जब ये धर्म आया इस्लाम धर्म हमारे देश में, अब कैसे आया, जो भी मिडिल ईस्ट साइड वाले जो देश थे वहाँ से कई सारे जो मुस्लिम धर्म के जो पंडित जिनको बोले उलेमा, वो आए यहाँ पर अपने धर्म का प्रचार करने। जैसे आपने 6th class में पढ़ा था ना, अशोक ने अपनी बेटी को और बेटे को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, तो ऐसे ही जो सऊदी अरब है या इन सारी जो मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से उलेमाज आए, मुस्लिम धर्म के जो जिन्हें बोले पंडित, वो आए इंडिया में और यहाँ पर उन्होंने अपने धर्म का क्या किया, प्रचार किया। तो इस वजह से काफ़ी सारे ऐसे रूलर्स जो थे जिन्होंने पैट्रोन किया इस्लाम धर्म और उलेमा को, ठीक है, उलेमा मैंने बताया जो जिस तरह हमारे यहाँ पर हिंदुओं में जो पंडित होते हैं ब्राह्मण, उसी तरीके से उलेमा मुस्लिम धर्म के पंडित समझ लीजिए एक तरह से, ठीक है। तो वो जब यहाँ आए अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने, तो काफ़ी सारे ऐसे रूलर्स थे मुस्लिम रूलर्स, क्योंकि मुग़ल पीरियड भी इसी टाइम में था, मुग़ल कई सारे रूलर्स आए जो मुस्लिम धर्म के थे, तो उन्होंने इस्लाम धर्म को और उलेमा जो थे उनको पैट्रोन किया। पैट्रोन क्या होता है मैं बता चुकी हूँ पहले, ठीक है। अब लाइक हिंदुज़्म इस्लाम वॉज ऑल्सो इंटरप्रेटेड इन अ वेराइटी ऑफ वेस। अब देखिए जिस तरह से हिंदू धर्म जो है उसकी तरह से ही इस्लाम धर्म में भी दो तीन तरीके या दो तरीके के, एक ही वैरायटी के दो तरीकों से मानना जो इसको बोले, जैसे आपने 6th class में पढ़ा था ना श्वेतांबर और दिगंबर, जैन धर्म की दो ब्रांचेस श्वेतांबर और दिगंबर, सेम एज दैट। तो इस्लाम धर्म के भी दो पार्ट्स हो गए आगे जाकर, पहला था सिया मुस्लिम और दूसरा था सुन्नी मुस्लिम, ठीक है। अब सिया मुस्लिम जो थे दे वर एक तरह से बिलीव्ड, हु बिलीव्ड दैट द प्रॉफिट मुहम्मद सन इन लॉ अली वाज द लेजिटिमेट लीडर ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। मतलब जो सिया मुस्लिम धर्म के जो लोग थे उनका क्या मानना था कि उनके जो मुस्लिम धर्म है उसके गॉड कौन है, अली, और अली कौन थे, ही वॉज द सन इन लॉ ऑफ मोहम्मद, और मोहम्मद कौन थे जिन्होंने मुस्लिम धर्म स्टार्ट किया था। तो सिया जो मुस्लिम थे उस ब्रांच के लोग मानते थे कि अली को, जो अली है यानी मोहम्मद के सन इन लॉ, उनको एक तरह से मुस्लिम कम्युनिटी का बोले राजा मानना चाहिए, एक तरह से भगवान मानना चाहिए। बट जो अदर ब्रांच थी सुन्नी मुस्लिम, They believed and accepted the authority of Khalifas and succeeding Khalifas. अब जो सुन्नी मुस्लिम्स थे वो ऐसा मानते थे कि जो खलीफा हैं वो एक तरह से भगवान माने जाने चाहिए,
इस्लाम धर्म के। अब खलीफा कौन होते हैं? खलीफा एक तरह से जो वेस्ट जो साउथ जो सॉरी जो कंट्रीज़ हैं अलग कंट्री अरब कंट्रीज़ जिनको बोले वहाँ पर खलीफा का पद हुआ करता था पहले। और खलीफा क्या होता था? एक तरह से जिनको भगवान की उपाधि दी जाती थी और जो देश को भी चलाते थे और धर्म में भी सबसे ऊपर जिनको रखा जाता था। जैसे हमारे यहाँ धर्म में हिंदू धर्म में सबसे ऊपर ब्राह्मणों को रखा जाता है, ऐसे ही सबसे ऊपर खलीफा को रखा जाता था और ये पूरे देश को भी चलाते थे। तो इस तरह से सुन्नी मुस्लिम्स का मानना था कि खलीफा जो हैं वो एक तरह से इस्लाम धर्म के गॉड हैं, और जो शिया मुस्लिम्स थे उनका मानना था कि अली जो हैं वो इस्लाम धर्म के गॉड हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरह के नए नए धर्म देखने के लिए मिले, नए नए रिलीजन देखने के लिए मिले। कब? इन मेडिवल पीरियड।